एवरीवन, सो आज का व्लॉग है हमारा संडे वाले बर्थडे सेलिब्रेशन का, जो हम 3 दिन बाद कर रहे हैं हमारा बर्थडे सेलिब्रेट। सो ये सस्पेंस वाला व्लॉग था, मैं आपको बताऊंगी नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ सेलिब्रेट करने, बट आई थिंक आप लोग गेस कर लोगे, जो लोग नहीं गेस कर पाए उनके लिए भी, और जो लोग गेस कर पाए उनके लिए भी वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरे साथ दीदी है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और आई डोंट नो कैसा रहेगा ये ब्लॉग, साउंड की क्वालिटी कैसी रहेगी, क्योंकि ये ब्लॉग में हमारे पास माइक है बिकॉज ऑफ आवर स्पॉन्सर्स। थैंक यू अगेन एवरी वन हुआ स्पॉन्सर्ड एंड हेल्प मी, एंड वो साउंड क्वालिटी इस वीडियो से अच्छी रहेगी। एक क्वालिटी पे तो काम कर दी है, अब धीरे धीरे हर दूसरी जो भी कमियाँ रहती हैं उस पर भी काम करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू मी, कहाँ गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, पेस्ट्री। बैक कैमरा नहीं होता ऑन द सेम टाइम। लो सबको मेरी तरफ से मेरा बर्थडे पार्टी, ले लो कैमरा से सब लोग। दिन की शुरुआत प्रसादम के साथ, हम आई हैं राधा श्री श्री राधा रस बिहारी मंदिर, दैट इज कॉन्जुगू, और हमने दर्शन भी कर लिया है। मैंने लास्ट टाइम आपको मंदिर का अंदर का दिखाया था, तो इस व्लॉग में मैं नहीं दिखा रही हूँ, या आगे टाइम मिलेगा तो, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेक दर्शन और श्री श्री राधा रस बिहारी अलोन, मतलब कैमरा वगैरह नहीं चाहिए था मुझे, इसलिए महाप्रसादम जी जय होगा, दैट्स वाई। मगर अगर अभी टाइम मिलेगा वापस अगर मैं जाऊँगी तो ज़रूर दर्शन कराएंगे आपको भी भगवान के, कृष्ण के। तब तक के लिए एंजॉय दिस। दीदी भी खा रही है, कैसा लगा मेरा सस्पेंस, मुझे पता है इतना कुछ अच्छा नहीं था, आप लोग को ऑलरेडी पता ही रहेगा कि मैं कहाँ जाऊँगी, आइडिया लग जाता है, पर ठीक है जैसा भी कहा, शायद ही कोई यूट्यूबर होगा जो अपने इंट्रो में ही अपना सस्पेंस खोल देता है, पर ठीक है, नो लेट मी एंजॉय प्रसाद। ओके अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट दाबेली, सुबह के 10 बज रहे और अब मैं नाश्ता कर रही हूँ, तो दाबेली इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को लालच ना, इसलिए क्योंकि इसलिए बता रही हूँ कि किसलिए बता रही हूँ, ये विदाउट ऑनियन गार्लिक का है, और हम लोग को कई लोग को लगता है कि अरे कौन ज्वाइन कर रहे तो सब खाना छोड़ना पड़ेगा, कांदा लहसुन छोड़ना पड़ेगा, कांदा लहसुन छोड़ना पड़ेगा, बट ये सब नहीं छोड़ना पड़ेगा, आप ये सब खा सकते हो, श्रील प्रभुपाद ने हम लोग के लिए सब कुछ करके वो गए हैं, जस्ट वी नीड टू टेक सम इंटरेस्ट इन भक्ति, और फिर बस सब होता ही जाएगा। माँ प्रसाद हम की जय हो, नाउ लेट मी एंजॉय दिस अगेन। दो 3 दिन पहले था ना, लेकिन हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो सब लोग खड़े होंगे,
डांसिंग कीर्तन होगा और केक कटिंग होगा सब। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सो मैं आगे की वीडियोस नहीं खींच पाई जो आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखाए। तो हम लोग जब हमने दर्शन कर लिया था उसके बाद में श्री हीरादास बिहारी का दर्शन कर लिया, उसके बाद में हमने वृंदावन हॉल में लेक्चर लिया था। लेक्चर लेने के बाद में ही ये सब मुझे सरप्राइज़ मिला वहाँ पर। थैंक यू माता जी अगेन, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सरप्राइज़ के लिए, फॉर मेकिंग माई बर्थडे सो मच स्पेशल। एंड उसके बाद में हमने एक और लेक्चर लिया था और फिर उस लेक्चर के बाद में हमने प्रसादम पाया था और फिर प्रसादम के बाद में हमने फिर शाम का प्रोग्राम अटेंड करके हम घर पे आ गए थे। एंड दिस वाज माय डे, बट आगे का मैं कुछ नहीं शूट कर पाई बिकॉज यू नो, अगर आप खुद इमेजिन करो कि मुझे अपनी जगह, तो अगर आप कोई मंदिर जा रहे हो, हर कोई भगवान का दर्शन कर रहा है, तो इट इज़ वेरी मच ऑकवर्ड कि आप अपना फ़ोन निकाल के वीडियो खींच रहे हो। और दो रीज़न होते हैं, जैसे बहुत सारे रीज़न होते हैं, कि रीज़न था और दूसरा था कि मतलब आप खुद भी, जैसे मेरा बर्थडे था तो मैं खुद भी इंजॉय करना चाहती थी ना। हर बार अगर आप कैमरा निकालोगे तो आप वो मोमेंट इंजॉय नहीं कर पाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब न्यू ईयर होता है तो हम जो वो नहीं क्या बोलते उसे, कुछ तो वो ऐसे क्रैकर होता है उसको ऐसे फोड़ते हैं जलाते, तो वो ऊपर जाके बहुत अच्छा मतलब रहता है, तो कई लोग उसकी वीडियोज़ खींचते हैं। बट वो वीडियो खींचने के चक्कर में उस चीज़ को रियलिटी में इंजॉय नहीं कर पाते और उस वीडियो को भी खाली स्टोरी स्टेटस पे लगाकर आगे जाके देखते नहीं हैं। तो कुछ मोमेंट्स हमें रियल में भी इंजॉय करने चाहिए। हर जगह कैमरा, फ़ोन, यूट्यूब, ब्लॉग काम नहीं करता। दिस इज़ जस्ट कि मैंने यूट्यूब चैनल तो तब से चालू रखा था जब मैं डिवोटी नहीं थी। जब धीरे धीरे पता चला तो मैंने अपने चैनल को उस डिरेक्शन में बदल लिया, बिकॉज आई थॉट कि अगर मेरे पास ऑडियंस है, मेरे पास वो टैलेंट है, तो मैं फालतू चीज़ें दिखाने से अच्छा है कि अपने सब्सक्राइबर्स को मैं भगवान का नाम बताऊं, भगवान का नाम के बारे में बताऊं। और इसलिए मैं वीडियोस बनाती हूं, ना कि इसलिए कि मैं शो ऑफ करूं। और अभी आप बोलोगे आप इतने ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि कई कमेंट्स आते हैं ऐसे कि आप पढ़ते नहीं हो, आप भगवत गीता आप तो खाली शो ऑफ के लिए कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर क्या बोलते हैं, अवेयरनेस लोगों के प्रति, कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए। तो दैट वॉज माई डे। आशा है कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगली बार से आप भी अपने बर्थडे के दिन ट्राई करिएगा कि आप मंदिर जाएं, प्रसादम पाएं उस दिन, हर दिन प्रसादम पाएं, प्रसादम के बिना एक दिन भी ना रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली विशेस। मैंने अभी देखा था वो ब्लॉग में 100 व्यूज़ हो भी गए, एक्चुअली ये बहुत कम होते दूसरे लोग के लिए, बट एज अ स्मॉल क्रिएटर दे आर अ वेरी बिग नंबर फॉर मी। एंड अभी मैं बहुत थक गई हूँ, सो आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ नाइस स्लीप। And that's all. Hari Bol, Hari Krishna.